नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। आज मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में और ये यहाँ की खबर आप लोगों तक होगी कि 7 जून का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि खोरी गांव में जितने भी मकान हैं उनको डिमोलिश करने का फैसला खोरी गांव सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और उसके बाद से थोड़ी सी हलचल खोरी गांव में, थोड़ी खोरी गांव की खबरें ज़्यादा इस बार सुर्खियों में। और मेरे साथ मौजूद है पूनम पंडित, आपने किसान आंदोलन में इनका चेहरा देखा होगा। आज खोरी गांव की बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी हैं, पीछे उनकी मीटिंग चल रही है और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पूनम पंडित जी से बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पे हैं किसान आंदोलन में, आपके चेहरा सभी ने देखा और आज भी यहाँ पे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सब पसंद कर रहे हैं आप लोग आपको, तो आज यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या हलचल और आगे क्या तैयारी, आप क्या बातचीत यहाँ पे हो रही है? भाई, ये मीडिया वाले वो कर दें गड़बड़, क्या हलचल है? कुछ भी हलचल ना, शांति से प्रशासन के वो बात कर रहे हैं, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी जी आए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में सहमति से। कहाँ हलचल हो रही, तुम पहले से पहले बताते हो हलचल हो रही, बवाल हो रहा, ये बात को बिगाड़ने का काम करते हो, सुधारने के। गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी होगी, प्रशासन ने बोल दिया, जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, छोड़ देंगे। तो अभी खट्टर साहब का ये फैसला है कि जो लोग हरियाणा के हैं उनके लिए तो पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ है नहीं। खट्टर साहब से पहले पूछ कहिए उनका जन्म कहाँ का। खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के जो हैं, एक दिन का समय निकाल गए यहाँ से, पूछ का आना उनका जन्म कहाँ का। तो फिर वो यहाँ पर राज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, सत्ता चला सकते हैं और राज्य में सरकार अपनी बना सकते हैं, पद पर रह सकते हैं, कुर्सी पर रह सकते हैं। और पहले ये पता करके आना जरूर, अगली बार जब मेरी बाइट लोगे मुझे बताना कि खट्टर साहब का जन्म कहाँ का। आपको पता है खट्टर साहब का जन्म कहाँ का? चलिए, वो पता कर, वो मैंने बताया, समझ रहा हूँ कि इशारा किस तरफ है। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, एक चीज़ है, भारत आज़ाद देश है और उसमें किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति जाके रह सके, ठीक है। ये नहीं है कि आगे पाकिस्तान से आगे कल ही आए हैं या अमेरिका से आगे कल ही आए हैं, इनके लिए अधिकार मांगे जा रहे हैं कल वालों के लिए, ये पुराने बसे हुए हैं। और ये चीज़, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो बातचीत हो रही है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छी बात है, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बेस पर लिया वहाँ के अधिकारियों ने, तो एक वो भी होता है कि नियम जब हरियाणा में, अभी अंकल जी ने बताया राखी गढ़ी गाँव के वो प्रधान है, राखी गढ़ी खाफ के पूरी, तो यही सिस्टम था जो यहाँ पे है। जमीन थी वहाँ, गांव बसा हुआ था, अब वहाँ नीचे तो खुदाई भी हो रही है, यहाँ तो खुदाई होकर सोने नहीं निकाला जाएगा, वहाँ धरोहर है वो बहुत पुरानी, उसको वहाँ के लोगों को 270 के समथिंग परिवार रहते थे, घर थे 270, उन्हें हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, सरकार ने करा, खट्टर सरकार ने करा। तो या तो ऐसा होगा कि भाई देश में या राज्य में दो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कानून हो। बात तो ये भी ना मैम कि 200-250 लोग थे या लाखों की बात है, तो फिर लाखों कहाँ जाएंगे? भारत के नहीं है ये भी, तो भारत के हैं। अगर भारत के ना हो तो इन्हें भेज दो कहीं, भारत के हैं ना, अगर भारत के नहीं है इनमें से तो सोची भी जाएगी बात। तो अब आगे क्या तैयारी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इतने सुरक्षा बल हैं, तैयारी करके काम बिगाड़ते हो, तैयार सोचा होगा क्योंकि ये है कि मतलब इनके आपस में बातचीत करवाई जाएगी सरकार की, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि मतलब हम बातचीत की टेबल पे लेकर आएंगे सरकार को भी और किसानों को भी, ये जो यहाँ पे परिवार रहते हैं, हाँ, खोरी गाँव के लोग, एक टेबल पे बातचीत करी जाएगी, फिर इनका जो समाधान निकलेगा, निकालना किसने? सरकार ने, सीधी सी बात है, पावर में आप हैं तो आप ही तो निकालेंगे समाधान। अब ये पावर में होते तो ये निकाल लेते, हम होते हम निकालते, अब पावर में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब तो वही तो निकालेंगे समाधान। तो दोनों को ये बीच का काम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो करेंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये हम सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये होटल है। मेरी बात सुनना, बिल्डिंग तो छोड़ दे, ये इतने बड़े बड़े जरा घुमाना भाई, जरा उधर कैमरा, ये मोर्चा कह रही है बोर्ड लगवाने में आदमी नहीं शर्माता, ये देखो क्या क्या बोर्ड लगवाए हुए, और जब शुरुआत गाँव में अंदर एंटर कर रहे हो आप इस होटल से शुरुआत करो तो ये भी छोड़ कर चले जाएंगे। भाई शुरू में स्टार्टिंग में तो होटल आ रहा है ना, वही चीज क्षेत्र में आ रहा है, पूरा खोरी गाँव में घूम के आया, सभी घरों पर नोटिस होटल पे क्यों नहीं लगे गए? ये होटल वाले इनमें रहेंगे किसान, या ये जो परिवार हैं इस होटल में रहेंगे, ये देंगे खाने को, इस पे क्यों नहीं लगाए? अगर मानो शुरुआत यहाँ से होती तो फिर सरकार को थोड़ी आप गलत कहते, नहीं कह सकते थे कि भाई शुरुआत है या ये जगह है, होटल को भी उठाया जा रहा है, इन्हें भी उठाया जा रहा, तो होटल से शुरुआत करते। लग रहा जरा देखा है आप में से कोई से लग रहा हो नोटिस? नहीं लगेगा, इसमें बड़ी ताकत हो,
ठीक है, तो इससे सबकी वो करी जा रही सिस्टम। दूसरी बात, हम एक हैं, देश की जनता एक है, एकता से बड़ी ताकत मैंने भी कहीं नहीं देखी। एक रहे हैं, सभी को सहयोग करना चाहिए, पूरे देश की जनता को, क्योंकि भैया 2022 के बाद भी चुनाव है। अभी तो छोटे से चुनावों में गड़बड़ी होगी, राजस्थान छुप रहे हैं जा जाके लोग, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव हुए थे अभी, कैंडिडेटों को उठा उठा के जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं जिला अध्यक्ष तो बीजेपी का भी चाहिए, भाई आप चाहे किसी पार्टी से जीते हो। यहाँ पे गाँव के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी का वादा था जहाँ जो वहीं मकान, अब इस तरीके का फैसला। भाई मोदी जी का सेंट्रल विस्टा बन रहा तो उन्हें कहाँ याद रहेगा, तुम भी ऐसी बात करते हो भाई, उन्हें याद नहीं रहा ना, भूल जाते हैं आदमी उस कुर्सी पर। कैसे दिलाएं? याद तो ऐसे ही दिलाया जाएगा जब जनता एक रहेगी, आप जैसे मीडिया वाले लोग सहयोग करेंगे। बाकी आपको जैसा कि पता 2022 में याद दिलवाया जाएगा और 2024 में केंद्र में जो है चुनाव है, फिर तब याद दिलाया जाए, क्योंकि देश की जनता है, 5 साल में सत्ता बदलती है, जनता नहीं बदलती है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब चीज़ें देखती है। चलिए, जनता परमानेंट है लेकिन कुर्सी परमानेंट नहीं है, नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें, सारे सवाल की जहाँ जो कि वहीं मकान का दावा था, लेकिन अब ये इस तरीके का फैसला कि सारे मकान जो खुरी गाँव में हो गिराने का फैसला आ चुका है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी, आगे की कुछ वीडियोस में खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।